नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गृह मंत्रालय की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आवेदन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है एक अच्छे से डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आगे इस वीडियो के अंदर हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन के प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि बिना किसी मिस्टेक के आप लोग फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होगी कि पूरी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप लोग अप्लाई करने के बाद इसके अंदर सक्सेस पाते हैं तो आपका जो वेतन होगा वो स्टार्टिंग का 35,400 रुपए पर मंथ का होने वाला है। साथ ही साथ इस वैकेंसी के लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 29 अगस्त 2021 होने वाली है। तो अभी आपके पास काफी टाइम है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके और बिना किसी गलती के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सके। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हिंदी में पूरी जानकारी प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। आप लोग यहां पे सबसे पहले देख पाएंगे विज्ञापन प्रकाशन तिथि यानी कि नोटिफिकेशन जारी की जाने वाली डेट यहां पे आपको 9 अगस्त 2021 की देखने को मिलेगी। इसके बाद यहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आखिरी डेट बताई गई है, जो कि 29 अगस्त 2021 रात के 11:59:59 बताया गया है। साथ ही साथ आवेदन शुल्क जो कि काफी नॉर्मल सा है, उसको जमा करने की भी आखिरी डेट यहां पे सेम होने वाली है। इसके बाद अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आपको काफी सारी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 29 अगस्त 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको विज्ञापन के बारे में ही जानकारी दी गई है कि आधे अधूरे भरे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आपको अच्छे से यहाँ पे सिलेक्शन पाना है तो आपको जो है तो अच्छे से फॉर्म को फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको बताया गया सिलेबस के बारे में, एग्जाम के बारे में। देन यहाँ से आपका जो है तो स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप लोग देख पाएंगे टोटल जो नंबर वैकेंसी 190 यानी कि 190 है और यहाँ पे रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गृह विभाग की तरफ से आ चुकी यानी कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे होम डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती है, जहाँ पे आपको डिप्टी जेलर यानी कि उप कारापाल की पोस्टें मिलने वाली हैं। इसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी आपको 27 मिलेंगी, साथ में कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी आपको दे दी गई है। काफी सारे और भी डिपार्टमेंट है जिनको अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम उप कारापाल की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपका 27 टोटल नंबर वैकेंसी है और यहाँ पे वेतन आपको 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए लेवल 6 के अंदर मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी दी गई जो कि आपको चेकआउट करना होगा। बाकी जानकारी आपको वीडियो में आगे हम लोग बताएंगे एक बार और जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे उसकी प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आएंगे। यहां पे आने के बाद देख पाएंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको सबसे पहले इनको ध्यान से रीड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले जो आपके आवेदन पत्र भरे जाने हैं वो 5 स्टेप में भरे जाएंगे। स्टेप फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल का, सेकंड स्टेप है एजुकेशन और अदर डिटेल का, थर्ड स्टेप है अपलोड फोटो और सिग्नेचर का, और फोर्थ है मेक पेमेंट, और फाइव है प्रिंट एप्लीकेशन का। ये 5 स्टेप कम्प्लीट हो जाएंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि आवेदन करने से पहले अपना खुद का एक पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर रख लें ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद इन सारी चीजों को रखने के बाद आपको अप्लाई नाउ की बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ की बटन पे क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी मेरा यहाँ पे नेट स्लो है, मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ।
तो दोस्तों इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बोला गया है कि जहाँ भी आपको स्टार दिखेगा वो सामान्य जानकारी स्टार वाली फिल करनी जरूरी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिखेगा, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम, और इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ और ईयर फॉर्मेट में फिल करेंगे। इसके बाद अपनी एज और जेंडर के अंदर मेल एंड फीमेल सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति आपको बतानी है। देन इसके बाद यहाँ से नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता बतानी है। अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे दो और ऑप्शन देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी के बारे में बोला गया, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको और भी कई सारी यहाँ पे जानकारी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको डोमिकल डिटेल दिखेगा, आपको यहाँ पे डोमिकल ऑफ यहाँ पे उत्तराखंड के निवासी हैं तो यस और नो में क्लिक करना है, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सब कैटेगरी के बारे में पूछा गया है, अपनी क्या कैटेगरी यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करना है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन डिटेल है तो इसके अंदर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, इसको कंफर्म करेंगे और सिक्योरिटी कोड के अंदर यहाँ पे इसको यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे की प्रोसेस काफ़ी इजी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करेंगे जितने भी केबी का साइज होगा बना के, और फीस पेमेंट और प्रिंट अप्लीकेशन और नॉर्मल डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक मिलेगा कहाँ से, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आवेदन करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक सेम वहीं पे अप्लाई एंड नोटिफिकेशन लिंक करके मिल जाएगा। तो इस पेज पे आ पाएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे PSC लोअर PCS रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। बात करें अगर वैकेंसी डिटेल की, 190 पोस्ट टोटल है, लेकिन यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में जो कि है डिप्टी जेलर की। बाकी नायब तहसीलदार और यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज हैं इनको भी कवर कर चुके हैं, बाकी जो बचा है उनको कवर कर देंगे जल्दी। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 9 अगस्त 2021 से लेकर 29 अगस्त 2021 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर एज लिमिट की, तो एज आपकी जो है तो मैक्सिमम 43 ईयर यानी कि 43 तक की होनी चाहिए। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 176.55 रुपये, SC ST का 86.55 रुपये और PWD कैटेगरी के लिए 26.55 रुपये रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे टॉप फाइव गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट मिल जाएगी, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप लोग इंडियन सिटीजन है, भारत के नागरिक है, तो आप लोग किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वेतन की बात करें तो 35,400 से स्टार्ट होगा, इसके बारे में आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। देन इसके बाद एजुकेशन यहाँ पे आपका 10th 12th और डिग्री होने वाला है, साथ में आप लोग 29 अगस्त 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 2 स्टेप में होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रीलिम एग्जाम है और इसके बाद सेकेंडरी यहाँ पे आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। देन इसके बाद इम्पोर्टेंट लिंक है, सबसे मेन यहीं पे अप्लाई का लिंक मिल जाएगा और नोटिफिकेशन का। तो जैसे आप लोग डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन की बटन पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और एक डाउनलोड की बटन यहाँ पे जनरेट करेगा और उस पर क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे नेटवर्क स्लो है जिस वजह से ये काफ़ी टाइम ले रहा है, आपका तुरंत ही हो जाएगा, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से अभी लाइक कर दीजिए और आगे भी ऐसी वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।